कुलगुरु, हमारे बीच के मतभेद के कारण भगत का कार्य बाधित हो। यदि हम प्रेम पूर्वक अपने मतभेद को दूर कर लें तो सबका भला हो। महाराज, मैं हृदय से आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। इन मतभेदों को दूर करने के लिए हम 7 नियमों का पालन करेंगे। 7 पग हैं, जिन्हें हम मिलकर उठाएं तो सभी समस्या का समाधान हो सकता है। पहला पग है। परंतु महाराज, ये 7 नियम किसने बनाए? स्वयं बुद्ध ने। क्या, बुद्ध ने? किंतु महाराज, हम बुद्ध के बनाए नियमों को क्यों माने? क्या वो कोई न्यायाधीश है? ये तो हद हो गई, हद हो गई, ये तो हद हो गई। ये तो महाराज, यदि हम बुद्ध के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे तो हमें और बुद्ध के अनुयायियों में क्या अंतर रहेगा? यही अंतर तो दूर करना है। महाराज, बुद्ध ने जो परम सत्य का मार्ग पाया, उसकी मूल जड़ में हम ब्राह्मणों का खंडन है। वो हमारी भावनाओं का अनादर करता है, वो हमारी संस्कृति का आदर नहीं करता। फिर वो तटस्थ नियम कैसे बना सकता है? बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। बुद्ध ने कभी भी ब्राह्मणों के लिए कोई अपशब्द नहीं कहे। अंधों की पट्टी पहना जिस जनमानस को वर्षों से ठगा गया, केवल उसकी आंखों से अज्ञान की पट्टी उतारी। मनुष्य द्वारा निर्मित अंतर और भेदभाव, जिसकी आड़ में मानव ने मानव का शोषण किया, उसे मिटाया है। यही परम सत्य। आप सब धन और ऐश्वर्य में जी रहे हैं। इससे पहले कि आप बुद्ध की गरिमा पर उंगली उठाएं, मैं आपको यह बता दूं कि मैंने स्वयं अपना राजमुकुट बुद्ध के चरणों में रखा था, किंतु बुद्ध ने वो भी लौटा दिया। सत्ता की, बल की लालसा बुद्ध को छू नहीं सकती, वैसे ही जैसे दुर्गंध भरी वायु बुद्ध के समीप नहीं आ सकती। वो राजाओं के राजा हैं, जो सब त्याग निर्धन बने, उनमें अधिक आत्मिक शक्ति है कि हम सब। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। आपने हमें वचन दिया, हमारी रक्षा ना की महाराज। व्यापार के लिए वीजी जाते हुए हमें लूटा गया, हमें मारा और जख्मी भी किया गया महाराज। जो आपकी सुरक्षा के लिए हमने सेना की टुकड़ी भेजी, पर आपके सेना नायक हमारी सुरक्षा के लिए नहीं आए महाराज। केवल 5 सैनिक हमारी तरफ से लड़े, पर वो भी उन लुटेरों ने मार दिया उन्हें। सेनापति जी, महाराज ये क्या सुन रहे हैं हम? हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ है। क्षमा महाराज, हमें अभी इस सदन से पहले ही ये समाचार मिला कि हमारे दोनों सेना नायक दीक्षा लेकर भिक्षु बन गए। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भी अपने महाराज अजातशत्रु की तरह वंशीलता का पालन कर अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। महाराज, यदि हमारे सैनिक साधु बनते रहे तो घोर कष्ट आ जाएगा। मेरा बुद्ध से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, बस यही कारण है। बुद्ध को क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बन गया। यदि क्षत्रिय ब्राह्मणों का आचरण करेगा तो सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। सेना के सैनिकों को कैसे दीक्षा दे सकता है वो? भविष्य की तरफ देखिए। यदि ये मगध के सारे सैनिक भिक्षु बन जाएंगे तो मगध की रक्षा कौन करेगा? गुरुदेव, कुलगुरु का कथन चिंता योग्य है। यदि रक्षा करने वाले हथियार डाल दें तो रक्षा करेगा कौन? मेरे विरोधियों ने इस बात को तूल दे नहीं चाल चली। ये विवाद खड़ा हो गया है कि भिक्षु सैनिकों को भैला कुचला संघ में सम्मिलित कर रहे हैं। बुद्ध, मेरी चिंता का कारण और विषम है। यहां तो मैं शासन कर रहा हूं, किंतु दूसरे देशों के राजा इन निर्दोष भिक्षुओं को दंड न दें। आपको शीघ्र ही इस समस्या का निवारण करना होगा बुद्ध। चिंतित ना हो अजात शत्रु, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कही अहिंसा की बातों की आड़ ले सैनिक अपना राजधर्म छोड़ दें। अपने देश, अपनी प्रजा, अपनी राजा के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, उन्हें ना निभाएं। मैं आज ही अपने उपदेश में इस नियम को घोषित करूंगा
कि कोई भी भिक्षु किसी भी सैनिक को दीक्षा ना दे। आनंद, सभी संघों में यह घोषणा पहुंचा दो। बुद्ध, अहिंसा का अर्थ मैं समझता हूं, किंतु मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। निसंकोच कहो आजाद शत्रु। राजा, सेनापति, सैनिकों का कर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करें, अपने राज्य के नियमों का राज्य की प्रजा से सख्ती से पालन करवाना। आप अहिंसा से करुणामयी हो, इन दुखियों की सेवा की बात करते हैं, कि आप हमें अपराधियों को दंड देने की अनुमति देते हैं, कि अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध कर, क्या यह उचित है? एक बार की घटना है आजाद शत्रु। एक गांव में एक विषैला सर्प था, न जाने वो कितने लोगों को काट मृत्यु के घाट उतार चुका था। सभी गांव वाले उससे बहुत भयभीत थे। वो जिस वृक्ष के तने में रहता था वहां बच्चे खेलने से भी डरते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक भिक्षु वहां से गुजरा और उस वृक्ष की छांव में विश्राम करने के लिए बैठा। सांप उसे काटने के लिए बाहर निकला तो भिक्षु को उद्विग्न ना होते हुए देख सर्प अचंभित हुआ। भिक्षु ने उसे उपदेश दिया कि तुम्हारे काटने से, तुम्हारे लोगों को क्षति पहुंचाने से उन्हें बहुत पीड़ा होती है, उनके प्राण भी चले जाते हैं। सर्प में वैराग्य जागा, उसने निश्चय किया कि वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। और सर्प को अहिंसक देख गांव में लोग धीरे धीरे निर्भीक होने लगे। कोई उसे छेड़ता, बच्चे अकारण ही उसकी पूछ पर अपना पैर रखते, लेकिन वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाता था। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, किंतु फिर भी वो पलटकर वार नहीं करता था। भूख और पीड़ा से वो क्षीण हो गया था। रात्रि में कुछ कंकर पत्थर खा लेता और अगले दिन आक्रमण का सामना करता। वो सर्प इतना घायल हो गया था कि गांव वाले उसे रस्सी से अधिक नहीं समझते थे। और फिर उस मार्ग से पुनः वो भिक्षु गुजरा। जब उसने सर्प की ये दुर्दशा देखी तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सर्प को औषधि लगाते हुए पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ? तो सर्प ने कहा, मेरे मन में वैराग्य जागा और मैंने काटना छोड़ दिया। भिक्षु हंसा और उसने कहा कि मैंने तुझे काटने से मना किया था, किंतु तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गया? तूने पुकारना क्यों छोड़ दिया? किसी भी बात की अति, अहिंसा की भी अति, यदि ध्यान से देखोगे तो हिंसक बन जाती। दोषियों में तुम्हारा भय होना चाहिए, उन्हें उनके अपराध का दंड भी मिलना चाहिए, किंतु ध्यान रहे, न्याय देने वाला अपनी निजी कटुता के कारण उसे दंड ना दे, अपितु दोषी को उसके दुष्कर्मों और उसके अपराधों का दंड मिलना चाहिए। यदि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या बीच में आए तो न्याय ना होगा। बुराई को भलाई से जीतो, यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को परास्त करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो, किंतु उस युद्ध के कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि करना पड़े तो केवल नियमित मात्र ही करो। बुद्ध, आपके इतने सुंदर और महिमामयी वक्तव्य ने मेरे हृदय से सभी अंधकार को दूर कर एक नई ज्योत प्रज्वलित की है। धन्य हुए भाग्य मेरे जो आप मेरे जीवन पधार। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये